ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अवंतीपोरा के उस स्थान की हैं जहां सुरक्षा बलों ने आतंकी रियाज नाइकू को ढेर किया था। यहां स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी पर जमकर पत्थरबाजी की। दरअसल जम्मू कश्मीर की अवंतीपोरा में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया। कई सालों से सुरक्षा बलों को इस आतंकी की तलाश थी, कई बार उसे घेर भी लिया गया लेकिन वो बच निकला। बुधवार को सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। नाइकू को जिस जगह पर मारा गया वहां स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और गाड़ी को तहस नहस कर दिया, डंडों से तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाके में पथराव किए जाने की सूचना पर पुलिस ने इस पर नियंत्रण पा लिया और लोग अपने अपने घरों को लौट गए। वहीं आतंकी नाइकू के मारे जाने के बाद अवंतीपोरा सहित पूरे कश्मीर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की कड़ी नजर है। सुरक्षा के मद्देनजर अभी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बंद किया गया है और वॉइस कॉलिंग को भी बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैल पाए। हैरानी की बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर शुरू होने से पहले घरों से सुरक्षित बाहर निकाला था ताकि इन लोगों पर कोई खतरा ना आए, लेकिन यही लोग बाद में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। न्यूज़ डेस्क।